क्वेश्चन देखते हैं, 6 का 1 का 4 नंबर, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं। 1/3 दिया, यानी घनमूल के बारे, घनमूल कह रहा है ना जी। मान लेते हैं, माना 4 नंबर है इसका, एफ एक्स बराबर में x का पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन का रूल, पावर को नीचे उतारोगे, पावर में से 1 घटा दोगे, पावर घटेगा तो यहाँ पर -2/3 आएगा, वो नीचे जाएगा प्लस का हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट 1/3 x का पावर 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना जी, समझ गए ना कैसे मैं लिख रहा हूँ। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ दिया है 0.009, अगर यही 8 रहता तो 8 का पावर 0.008 का पावर 1/3 जो होता वह 0.2 के बराबर हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ ले लूँगा, यहाँ लिखूंगा कि 0.008 का घनमूल कह सकते हैं, या घात 1/3 का घात 1/3 जो होगा क्या होता है, 0.2 होता है, ठीक है। और 0.009 के निकटतम है, निकटतम है, निकटतम है, समझ रहे ना बात को। चलिए तो यहां से हम लोग ले लेंगे x बराबर में 0.008 और x प्लस डेल्टा x बराबर में 0.009। अब यहाँ पे x का वैल्यू रख देते हैं, तो x का वैल्यू है 0.008, 0.008 प्लस में डेल्टा x बराबर में 0.009, इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए तो डेल्टा x बराबर में आ जाएगा 0.001, यही ना आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा x बराबर में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा x, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा x, यानी x प्लस डेल्टा एक्स का आ जाएगा 0.009, यही ना वैल्यू है, प्लस में एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू है x का पावर 1/3, एफ डैश एक्स क्या है 1/3 x का पावर 2/3 इंटू में डेल्टा एक्स है आपका 0.001। चलिए आगे देखते हैं, एक्स की जगह रख देंगे हम लोग यहाँ 0.008 का पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू में 0.008 का पावर 2/3 और इंटू में 0.001, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो इसे मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ 0.2 का क्यूब और इंटू में 1/3 पावर में 1/3 इंटू में 0.2 का पावर 3 इंटू में 1/3 2/3 है और फिर इंटू में 0.001। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा ना, 2 बचेगा 0.2 प्लस में ये 1 से ऊपर इंटू होगा तो ही आएगा 0.001 और बटा में देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना है, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 और इसमें इंटू करोगे और भाग करोगे तो ये 0.001001 बटा में इसे इंटू करेंगे तो 0.12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भाग कर देते हैं, 0.001 में भाग कर देना होगा कितना से, तो भाग करना होगा 0.12 से, तो 0.2 और प्लस में ये भाग होगा तो कितना आ जाएगा जी, 0.008, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.208 अप्रोक्स में ये वैल्यू आ गया, ये आपका अप्रोक्स वैल्यू आ गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका